हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्राची फाउंडेशन ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स क्लास 11 के चैप्टर प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है, विच इज बर्नौलीज प्रिंसिपल। और मुझे काफी स्टूडेंट्स के मेल आए थे कि ये जो प्रिंसिपल है ये उनको समझने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो आइए हम इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, इस प्रिंसिपल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये प्रिंसिपल ही समझ में नहीं आता है, तो फिर उसके डेरिवेशन और प्रूफ को समझने में इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। और इसके बेसिस पे बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस हैं इस चैप्टर में, एज वेल एज न्यूमेरिकल्स हैं जो आपको सॉल्व करने हैं। चलिए एक बार इसको रीड कर लेते हैं। तो सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस फ्लूइड इन अ स्ट्रीम लाइन इररोटेशनल फ्लो रिमेन्स कॉन्स्टेंट अलॉन्ग अ स्ट्रीम लाइन। ये आपने पढ़ा होगा और ये इसका मैथमेटिकल यहाँ पर डेरिवेशन है, विच इज पी प्लस हाफ रो बी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज कॉन्स्टेंट। देखिए, अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसके एक एक वर्ड को हमें समझना पड़ेगा। मतलब देखिए, प्रेशर एनर्जी तो आप समझते हैं, प्रेशर एनर्जी वॉट इज प्रेशर एनर्जी यू मस्ट हैव अंडरस्टूड, काइनेटिक एनर्जी यू आर फैमिलियर विद, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब इसके बाद यहां से स्टार्ट होता है इनकंप्रेसिबल नॉन विस्कस। नाउ व्हाट इज इनकंप्रेसिबल, सी हमने ये पढ़ा है कि जितने भी फ्लूइड्स हैं, जितने भी लिक्विड खासकर की या फिर आप ऐसा समझ लीजिए, आप आइडियल फ्लूइड की अगर प्रॉपर्टी को पढ़ें, एक आइडियल फ्लूइड कैसा होता है, तो एक आइडियल फ्लूइड इनकंप्रेसिबल होता है, उसको आप कंप्रेस नहीं करते कर सकते, नॉन विस्कस होता है। अच्छा, विस्कोसिटी के बारे में आपने पढ़ा होगा। विस्कोसिटी मतलब आप ऐसा समझ लीजिए, एक तरीके से इंटरनल फ्रिक्शन होता है फ्लूइड के अंदर का, इंटरनल फ्रिक्शन जो होता है वो उसको हम बोलते हैं विस्कोसिटी। तो एक आइडियल फ्लूइड नॉन विस्कस होता है, मतलब उसके अंदर इंटरनल फ्रिक्शन नहीं होता। इन अ स्ट्रीम लाइन इररोटेशनल फ्लो, नाउ व्हाट इज इररोटेशनल फ्लो, इररोटेशनल फ्लो का मतलब है कि उसमें कहीं पे भी एंगुलर मोमेंटम नहीं है, किसी भी पॉइंट पे एंगुलर मोमेंटम नहीं है। यहां पर एक और वर्ड यूज होता है स्ट्रीम लाइन। स्ट्रीम लाइन इट मीन्स उसके हर एक पॉइंट पे उसके फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी बिल्कुल सेम है। तो अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो आप इस पूरे वर्ड्स को एक वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं और वो है आइडियल फ्लूइड। और वो है आइडियल फ्लूइड से आप इस पूरे वर्ड को एक साथ रिप्लेस कर सकते हैं। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल फ्लूइड रिमेन्स कॉन्स्टेंट अलॉन्ग अ स्ट्रीम लाइन। चलिए अब इसको एक बार हम ऐसे इसका डायग्राम समझ लेते हैं कि लेट्स से कि यहां पर एक कोई ट्यूब है जिसमें से फ्लूइड पास हो रहा है, और इसमें देखिए हमने इसको एकदम बिल्कुल पैरेलल नहीं रखा है, ग्राउंड से पैरेलल नहीं है, ग्राउंड से एक सर्टेन एंगल पे है। और यहां पर देख सकते हैं कि जो ट्यूब है वो यहां पर तो इसकी विड्थ ज्यादा है और यहां पर इसकी विड्थ जो है वो कम है। तो यहां पर पॉइंट ए ले लेते हैं हम, और पॉइंट ए पर लेट्स से कि क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है, यहां पर प्रेशर फ्लूइड पर P1 है, यहां पे वेलोसिटी V1 वेलोसिटी से जो है वो फ्लूइड मूव कर रहा है। सिमिलरली यहां पॉइंट B पर हम ले लेते हैं कि यहां पर इसकी जो वेलोसिटी है वो V2 है, क्रॉस सेक्शन एरिया A2 है और इसकी ग्राउंड से हाइट H2 है, और यहां पर ग्राउंड से हाइट यहां पर हम H1 ले लेते हैं, राइट। तो चलिए यहां पर हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इसको आप समझ गए होंगे, यहां से P1 A1 यहां पर और यहां पर P2 A2, क्रॉस सेक्शन एरिया A1, क्रॉस सेक्शन एरिया A2, प्रेशर P1, प्रेशर P2। यहां पर हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं, उसके पहले हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी जो हम यहां पर लिखेंगे वो समझ लेते हैं। लेट एट ए, बेसिक टर्म्स हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं प्रूफ के लिए। लेट एट ए, A1 इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, V1 इज द फ्लूइड वेलोसिटी, H1 इज द मीन हाइट अबव द ग्राउंड, दिस इज मीन हाइट अबव द ग्राउंड,
P1 is the fluid pressure. Similarly, at PM is area of cross section, V2 is fluid velocity, H2 is mean height, and P2 is fluid pressure. क्योंकि सेम फ्लूइड इस पर फ्लो हो रहा है तो उसकी डेंसिटी तो सेम होगी, उसका एरिया से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हम इसकी डेंसिटी को रो अज्यूम कर लेते हैं. लेट रो बी द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड. तो जैसा कि हमको पता है कि जो आइडियल फ्लूइड होता है वो इनकम्प्रेसिबल होता है, तो जितना मास ऑफ फ्लूइड यहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया से अंदर जाएगा उतना ही मास ऑफ फ्लूइड क्रॉस सेक्शन एरिया से बाहर जाएगा, बिकॉज द फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल. अब यहां पर हम अगर मास की बात करें तो मास इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और वॉल्यूम को हम और कैसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू डेंसिटी तो है ही, यहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहां पर है A1, और यहां पर लेंथ कितनी होगी, लेंथ के लिए हम देखिए लेंथ यानी कि डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, तो यहां पर v1 वेलोसिटी से डेल टी टाइम के अंदर, तो लेंथ हम लेंगे v1 डेल टी और डेंसिटी हमारे पास है रो. तो m को हम ऐसे भी लिख सकते हैं a1 v1 डेल टी, a2 v2 डेल टी रो, द सेकंड क्रॉस सेक्शन एरिया. और वी कैन राइट A1 V1 is equal to A2 V2 by both these equations. So I name this equation number 1 and I will name this as equation number 2. चलिए अब यहां पर हम बात करते हैं change in the kinetic energy. So change in kinetic energy क्या होगा? Kinetic energy at B minus kinetic energy at A. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम, यहां पर इसकी वेलोसिटी v2 है तो v2 स्क्वायर हाफ एम v1 स्क्वायर. अब यहां पर देखिए m हम कॉमन ले सकते हैं और m की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 से लेंगे. सो दिस इज a1 v1 डेल टी रो एंड दिस विल बिकम v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर. दिस इज व्हाट चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी. अब हम बात करते हैं चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी. Change in potential energy. So this will be mgh2, or you can write it like potential energy at B minus potential energy at A. So this is what mgh2 minus mgh1. Now m common ले लेंगे और m की value फिर से equation 1 से, तो a1 b1 del t rho h2 minus H1. अब हम बात करते हैं नेट वर्क डन की. नेट वर्क डन ऑन फ्लूइड तो ये क्या होगा, नेट वर्क डन तो ये हो जाएगा वर्क डन एट A माइनस वर्क डन एट B. वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स हम वहां से लेंगे प्रेशर इनटू एरिया. फोर्स ऐसे लिख सकते हैं प्रेशर इनटू एरिया. सो वी विल राइट P1 A1 डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा V1 डेल टी, और ये हो जाएगा P1 A2 V2 डेल टी. तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि हमने देखा है कि A1 V1 A2 V2 के इक्वल है, राइट. तो जैसा हमने देखा है कि A1 V1 A2 के V2 A2 और A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P1 A1 B1 डेल टी माइनस P2 A1 B1 डेल टी. सो वी कैन टेक कॉमन A1 B1 डेल टी, दिस विल बिकम P1 माइनस P2. नाउ अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वी कैन राइट दैट नेट वर्क डन will be equal to change in kinetic energy plus change in potential energy. So the net work done is A1 V1 del T
P1 minus P2. And here, change in the kinetic energy on this equation, which is A1 V1 del T rho V2 square minus V1 square. And change in the potential energy is here, which is A1 V1 del T rho G H2 minus H1. Okay. So, now dividing both the side by A1 V1 del T. Look, देख सकते हैं आप सब में A1 V1 del T है तो इसको divide कर देते हैं. तो यहाँ बचेगा P1 minus P2 और यहाँ पर बच जाएगा half rho V2 square minus V1 square plus rho G H2 minus rho G H1. और यहां पर अगर हम एक तरफ इसको शिफ्ट कर दें वन वाले सारे जैसे P1 V1, सो दिस विल बिकम P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2. और वी कैन राइट दिस एज प्रेशर plus V square plus is rho G H is a constant. And this is what the Bernoulli's principle. तो यहाँ पर ये proof होता है. तो आप देखिए यहाँ पर pressure energy, change in the kinetic energy and potential energy of an ideal fluid. आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, sum of pressure energy, sum of kinetic energy and sum of potential energy per unit volume is always constant. So this was the proof of Bernoulli's principle. Student, hope you understood.